हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, क्या प्रोसीजर है, क्या उसके फॉर्मेट्स हैं और वर्क मेथड स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, वर्क मेथड स्टेटमेंट किसी भी काम को करने के लिए हम क्या टूल्स यूज कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस वाइज एक्टिविटी है, उसके प्रोसीजर के बारे में लिखा जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी और चेक कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा, उसका प्रोसीजर क्या है। तो मैं एक आप लोग के सामने एक WMS बनाया हूं, एक बार उसे देखते हैं, उसके बाद सेम फॉर्मेट आप हर एक एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, लोगो हियर, देन यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है HSC क्लासेस बाय पी यादव। आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं कि किसके लिए हम वर्क मेथड स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट नेम किस प्रोजेक्ट के लिए हम तैयार कर रहे हैं, WMS नंबर कौन सा है वो डाल सकते हैं। देन यहाँ पे एक्टिविटी शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, अब शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल का हमने सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट बनाया है। देन रेफरेंस, कुछ रेफरेंस ड्राइंग है या कुछ डॉक्यूमेंट है उसका रेफरेंस आप यहाँ दे सकते हैं। देन इक्विपमेंट टूल्स, क्या क्या उस एक्टिविटी में टूल्स यूज होने वाला है, यहाँ पे मैंने डाला है हाइड्रा लिफ्टिंग बेल्ट और PP रोप यूज होने वाला है उस एक्टिविटी में। नाउ एक तरफ डालेंगे सीरियल नंबर, फिर प्रोसीजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और चेक बाई, कौन चेक करेगा, क्रॉस चेक कौन करेगा। तो पहले आता है ए में शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल हमने लिख लिया, ऑल एम्प्लॉइज इंगेज इन एक्टिविटी शैल ट्रेन WMS जैसे शैल बी कम्युनिकेटेड। सबसे पहले WMS बनेगा, उसके बेस्ड पे क्या होता है, जैसे बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कि सब सीक्वेंस वाइज पूरा लिखा हुआ, हर एक चीज सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल का है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट शैल बी लिफ्टेड विद सेफ्टी लैच लिमिट स्विचेस ऑटो हुक कंपेंसेशन ओवरलोड इंडिकेटर्स ETC आर इन द वर्किंग कंडीशन, ये भी चेक करना है वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। ये सेफ्टी मटेरियल के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी से लेकर के मटेरियल स्टैकिंग तक का ये पूरा प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है। देखिए सेफ्टी का मटेरियल का हम पढ़ रहे थे, सेफ्टी ऑफ मटेरियल का है, आप देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन देखिए, नो सुपरविजन नो वर्क पॉलिसी शैल बी स्ट्रिक्टली अडहर्ड, जहां पर सुपरविजन नहीं है वहां पर काम करने की परमिशन नहीं दे। देन लास्ट में आते हैं रिवीजन नंबर, यदि कुछ है तो डेट कब हुआ था, प्रिपेयर्ड बाय किसने प्रिपेयर किया, रिव्यूड बाय किसने रिव्यू किया और अप्रूव किसने किया, PC मतलब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है। बाद में आपका कुछ फॉर्मेट ऐसे दिखेगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए आपका फॉर्मेट ऐसा दिखेगा, जब आप पूरा तैयार कर लेंगे तो आपका वर्क मेथड स्टेटमेंट जो है ऐसा दिखेगा, और इसके बेस पे हम क्या करेंगे, GS से जॉब सेफ्टी एनालिसिस हम तैयार करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इससे वर्क मेथड स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसके बेस पे जैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।